इसका मतलब यह है कि नेपाल जैसे सेक्स फ्री कंट्री टाइप का है। मैडम, क्या यहाँ की लड़कियाँ जो है किसी के भी साथ जो है सोने के लिए तैयार हो जाती है? तो साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। साथियों, मैं विनय कुमार। साथियों, आज मैं फिर हिमालय में हूँ और हिमालय की घाटी में जो लोग हैं, लोगों को देखने के लिए, लोगों को जानने के लिए, लोगों को समझने के लिए, लोगों की यहाँ के कल्चर के लिए, उनके रहन सहन, उनके जीवन में क्या क्या किस प्रकार की हलचलें हैं, किस प्रकार लोग यहाँ पहाड़ों में बसते हैं, रहते हैं, तो ऐसे नेपालियों को देखने के लिए मैं आया हुआ हूँ। और हमने सोचा कि चलो कम से कम हिमालय में घूम भी आते हैं इसी के बहाने, क्योंकि आज का दिन संडे का दिन है। तो साथियों, आपने मुझे प्यार दिया, अच्छा लगा, दुलार दिया, अच्छा लगा। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कम से कम यार इतना कंजूसी मत करो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके आप इधर देख सकते हैं, पीछे पहाड़ है, हिमालय है और इधर लोग वहां पर बसे हुए हैं। साथियों, इतनी गर्मी में मैं इतनी ऊंचाई पर आया हूं, ऊंचाई गर्मी में जितनी ऊंचाई पर आप जाते हैं उतना ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा मुझे महसूस यहाँ आने पर हो रहा है। दूसरी बात, गर्मी भी बहुत काफ़ी है। यहाँ गेट पर ही लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, स्कूल को क्षतिग्रस्त करने का काम करते हैं, तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से आपके साथ पेश आया जाएगा। तो स्कूल को ये सरकार इतना महत्व देती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग यहाँ पर जो है पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं, एक नेपाली महिला भी जो है कि यहाँ खड़ी हैं, और यहाँ का जनजीवन कुछ अलग है, यहाँ का कल्चर भी अलग है। देख सकते हैं सभी प्रकार की सुविधाएं ये लोग नेपाल सरकार की मदद से या स्वतः जो है कि पैदा करके रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना है कि जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया का कल्चर जो है थोड़ा से दूसरे ढंग का है, वहाँ पर लड़की लड़का कहीं भी एक साथ न खड़े हो सकते हैं, न वार्ता कर पाते हैं, लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं होता है। नेपाल में ऐसा नहीं है, नहीं। तो लड़का लड़की जिधर भी रहे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि नेपाल जैसे सेक्स फ्री कंट्री टाइप का है। अच्छा अच्छा, कोई किसी को नहीं रोक सकता है, बहुत खूबसूरत। दूसरा दूसरा क्लास में भी नहीं करते, एक ही क्लास में पढ़ सकता है। हाँ, अच्छा, कहीं भी आ सकते हैं, लड़का लड़की हो एक ही क्लास में पढ़ सकता है, जितना एज है उतना एज का क्लास होता है। अच्छा अच्छा, और कहीं भी एक साथ रह सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई माँ बाप भी नहीं बोलते हैं, परिवार के लोग रह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत। आपके बच्चे स्कूल कैसे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? अच्छा, बगल में। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जैसे क्या काम करते हैं? खेती किसान। अच्छा, खेती किसानी। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। खास बात यह है कि सेक्स फ्री कंट्री है, यहाँ पर कोई भी लड़का कोई भी लड़की, इंडिया का नहीं नेपाली, एक साथ रह सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रोकने बोलने वाला नहीं है। आपने देखा महिला को, नेपाल है। आइए थोड़ा से मैं इनके घर को भी एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ लकड़ी वगैरह गाँच करके ये लोग रखे हैं, क्या नाम है, लकड़ी का गट्ठर है, और अपने जीवन को चलाने के लिए यहाँ कोई ना कोई, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे दरबा टाइप बनाए गए हैं, यहाँ मुर्गी पालन भी होता है, इसमें मुर्गी पालन होता है, और देख सकते हैं यहाँ दरबा बनाए गए हैं, दरबा दरबा जिसको बोलते हैं, यहाँ भी मुर्गी रखे जाते हैं, साथ ही साथ बकरी पालन भी किया जाता है। और आप हैरान हो जाएंगे, बहुत बड़ा नहीं है ये,
ये छोटा सा एक झोपड़ी है जहाँ पर बकरी पालन वगैरह किया जाता है। और साथियों गर्मी काफ़ी हो रही है क्योंकि ऊंचाई पर आने पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो बकरी पालन से ये 2 लाख रुपए जो है प्रत्येक साल नेपाली मुद्रा कमा लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऐसा यहाँ के लोगों का अपना रहन सहन है, जीवन है। ख़ास बात यह है कि सेक्स फ्री कंट्री होने के नाते लोगों में किसी भी प्रकार की कोई भी दूसरी भावनाएं नहीं है। तो काफ़ी बेहतर लगा, काफ़ी अच्छा लगा। ये इनका अपना मकान है और बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, आप देखेंगे तो लकड़ियों से ही बना हुआ ये बिल्डिंग इनका दिखेगा। तो साथियों आज आपने नेपाल देखा, नेपाल घूमा हमारे साथ, हमारे ब्लॉग वीडियो के साथ। आप लोगों को नेपाल कैसा लगा? खास अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर बेहतर लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करके आप आल वाला जो बटन नोटिफिकेशन है आप उसको दबा करके आप हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं, आप हमारा सपोर्ट समर्थन भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का ब्लॉग वीडियो में ही समाप्त करता हूँ। आप सभी साथियों को नमस्ते, सलाम, आदाब।